वेस्ली की अपनी आत्मा की व्यथा की झलक उसके उस प्रकाशित जर्नल में मिलती है जिसमें लिखा था, मैं अमेरिका में भारतीयों के धर्मांतरण के लिए गया था, परंतु मेरा धर्मांतरण कौन करेगा? अविश्वास के इस बुरे हृदय से मुझे कौन मुक्त करेगा? बाद में उसने लिखा, और फिर मैंने सीखा कि मैं परमेश्वर की महिमा से रहित हूँ, कि परमेश्वर के जीवन से मेरी असंबद्धता मुझे कोप और नरक का अधिकारी बना देगी। व्यथा से संघर्षरत वेस्ली की इन्हीं दिनों युवा मोरेवियन पीटर बोहलर से भेंट हुई, जो सचमुच में वेस्ली के लिए आशीष का कारण बना। बोहलर भक्त और धार्मिक व्यक्ति था और उसमें वेस्ली के मार्गदर्शन हेतु आत्मिक योग्यता थी। उसने वेस्ली को स्पष्ट किया कि उद्धार कर्म से नहीं वरन विश्वास से प्राप्त होता है। परमेश्वर क्षमा करता है, ग्रहण करता है तथा उन्हें जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें बचाता है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा विश्वास आत्मिक शुद्धता लाता है, जो पाप पर जय और हृदय की शांति का कारण बनता है। बोहलर की विश्वास से धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा में मुख्य बल इस बात पर था कि पवित्र आत्मा पाप पर जय और आंतरिक शांति प्रदान करती है और जिसे क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत धर्मांतरण का यह सिद्धांत वेस्ली की समझ से परे था। वर्षों से उसका यही अनुभव था कि धर्मांतरण या बदलाव की स्थिति शैने-शैने ही होने वाली प्रक्रिया थी। उसका कहना था कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि विश्वास क्षण भर में किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, मनुष्य किस प्रकार से तुरंत अंधकार से ज्योति में प्रवेश कर सकता है, पाप एवं दुख की स्थिति से धर्म एवं आनंद की स्थिति में आ सकता है। मैंने स्पष्टीकरण के लिए धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, विशेष रूप से प्रेरितों के कार्य का, परंतु समर्थन में कोई उदाहरण ना मिलने से निराशा ही हाथ लगी। परंतु बाद में कुछ ही दिनों के भीतर अनेक साक्ष्यों द्वारा परमेश्वर द्वारा तुरंत बदलाव किए जाने के अनेक उदाहरण उसके सामने आए और वेस्ली की दुविधा का निवारण हो गया। इसके बाद भी वेस्ली अक्सर ऐसा अनुभव करते थे कि वह संभवतः कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। यदि भी उसने आचरण के लिए नए नियम बनाए थे, वह नियमित रूप से प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, परंतु व्यर्थ। एक बिंदु पर तो उसने यह निर्णय कर लिया कि उसे प्रचार कार्य बंद कर लेना चाहिए। पीटर बोहलर से वार्तालाप के मध्य उसने एक बार प्रश्न किया कि मैं किस प्रकार से प्रचार करूं जब मुझ में स्वयं विश्वास का अभाव है। बोहलर ने आग्रह किया कि वह विश्वास के साथ उद्धार का प्रचार करते रहे और वेस्ली कुछ सप्ताह तक वैसा ही करता भी रहा, परंतु परिणाम स्वरूप चर्च में प्रचार करने के उसके अवसर समाप्त हो गए। इसी बीच 1738 मई में चार्ल्स वेस्ली प्लूरिसी के कारण रोगग्रस्त थे। 20 मई शनिवार की रात उनके अनेक मित्रों ने उनके लिए प्रार्थना की। अगले दिन रविवार को, जो वीट संडे था, आराधना के बाद चार्ल्स ने प्रभु यीशु के साथ हुई अपनी व्यक्तिगत भेंट की चर्चा की। उसे आत्मिक निश्चितता एवं विश्वास का अनुभव हुआ था जिसे देखा जा सकता था। 3 दिन बाद मई 24, 1738 को जॉन वेस्ली ने अद्भुत अनुभव प्राप्त किया जिनने उसके जीवन को बदल दिया, समस्त इंग्लैंड को बदल दिया। बुधवार 24 मई 1738 को संभवतः 5 बजे होंगे जब वेस्ली की आंखें खुली और जब उसने नए नियम को खोल कर पढ़ा तो निम्न पद सामने आया कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाओ। 2 पत्रस 1:4। बाहर जाने से पूर्व एक बार फिर से बाइबल खोलकर देखने पर यह पद आया, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। मरकुस 12:34। दोपहर को उन्हें सेंट पॉल चर्च जाना पड़ा जहां गाए गए गीत के बोल कुछ ऐसे थे, हे इज़राइल परमेश्वर पर भरोसा रख। गीत के बोल उसके हृदय में गूंजते रहे। हृदय में अद्भुत प्रफुल्लता का अनुभव। उसी दिन संध्या को इच्छा ना होते हुए भी मैं अडल्स गेट स्ट्रीट की एक सभा में गया जहां किसी को लूथर द्वारा रोमियो के नाम की लिखी गई पत्री की भूमिका को पढ़ते हुए सुना। संभवतः 8:45 पर
जब वाचक उस परिवर्तन की चर्चा कर रहा था जो परमेश्वर मसीह पर विश्वास रखने वालों पर करता है, तो वेस्ली को लगा कि उसका हृदय अद्भुत रीति से प्रफुल्लित हुआ था। उसे उस समय पूर्ण विश्वास हो गया था कि केवल मसीह द्वारा उद्धार संभव था, और वह आश्वस्त हो गया कि उसके पाप क्षमा हो गए और वह पाप और मृत्यु की व्यवस्था से बच गया था। वेस्ली उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने लगा था जो कभी उसे हीनता की दृष्टि से देखते थे। अब वह अपने प्राप्त अनुभव की साक्षी देने लगा था। उसके लिए एक नवीन आत्मिक संसार के द्वार खुल गए थे और उसके सेवा के 53 वर्ष मसीह के प्रेम और भक्ति की ज्वाला से परिपूर्ण होकर व्यतीत हुए। वास्तव में उन दिनों जहां उसे हताश करने वाले अनुभवों से दोचार होना पड़ा था, वहां उसको उत्कृष्ट अनुभव भी हुए। 6 वर्ष बाद वेस्ली को फिर एक बार एक अद्भुत अनुभव से साक्षात्कार होना पड़ा। दिसंबर 23, 1944 रविवार के दिन वेस्ली को लगा कि वह निर्जीव सा हो गया था, परंतु उसी संध्या को उसे ऐसे सामर्थ्य मिली जैसा कि पहले कभी नहीं मिला था। दिसंबर 23, 1744 रविवार के दिन वेस्ली को लगा कि वह निर्जीव सा हो गया था, परंतु उसी संध्या को उसे ऐसे सामर्थ्य मिली जैसा कि पहले कभी नहीं मिला था। हम पुस्तक में अन्यत्र वेस्ली की योग्यता, उसके द्वारा किए गए महान कार्यों और उसकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे जो उसने अपने सेवा काल में अर्जित की थी। वह प्रातः तड़के नियमित रूप से कार्य प्रारंभ करता और रात देर तक कार्य करता। कई अवसरों पर उसे अत्याचार और हिंसा के अतिरिक्त प्राण का जोखिम भी उठाना पड़ा, परंतु भयंकर परिस्थितियों से घिरे होने के बाद भी वह हानि से नहीं डरा। निश्चय ही परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। जॉन वेस्ली की दैनिकी में कई ऐसी कथाएं हैं जहां उसके द्वारा की गई प्रार्थनाओं के उत्तर अद्भुत रूप से प्राप्त हुए। एक स्थान पर उसने लिखा कि उसके घोड़े को चोट लगी थी और कुछ मील जाने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा थी और वो बुरी तरीके से थक गया था। अचानक वह सोचने लगा, क्या परमेश्वर मनुष्य तथा पशु को स्वस्थ करने को सामर्थी नहीं है? अभी वह सोच ही रहा था कि उसका थकान और सिरदर्द चला गया और घोड़ा भी परिपूर्ण स्वस्थ हो गया। इसी तरह कई घटनाएं घटी जहां रोगियों को चंगाई प्राप्त हुई। हेलीफ्लेक्स के प्रचारक श्री लॉयड की चंगाई भी एक ऐसा ही उदाहरण है। जब वेस्ली का आगमन नगर में हुआ तो श्री लॉयड तेज ज्वर से पीड़ित थे। तीव्र दर्द के कारण उनका पैर सूज गया था और वह असहनीय पीड़ा में थे। वेस्ली तथा उनके अन्य सहयोगियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर प्रार्थना का उत्तर मिला। श्री लॉयड की असहनीय पीड़ा समाप्त हो गई और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। उन सब ने परमेश्वर को इस महान कार्य के लिए धन्यवाद दिया। लंदन में घटी एक अन्य घटना को वेस्ली ने विचित्र दृश्य की संज्ञा दी। प्रचारक को वहां एक धार्मिक महिला से भेंट हेतु आमंत्रित किया गया था जो कई माह से पलंग पर थी और चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ थी। उन्होंने प्रार्थना के लिए निवेदन किया। वेस्ली और उनके सहयोगियों ने विश्वास के साथ प्रार्थना की। देखते देखते वह महिला उठी, तैयार हुई और सीढ़ी उतरकर नीचे गई। बाद में भी उन्हें किसी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वेस्ली का प्रचार प्रभावशाली व अधिकार के साथ था। कितनी बार उसकी सभाओं में लोग रो रो कर पक्षाताप करते, यहाँ तक कि पक्षाताप करने वालों के कारण वेस्ली की आवाज दब जाती। एक पुरोहित ने, जिसने वेस्ली को प्रचार करते हुए सुना था, एक बार उसे लिखकर कहा, तुम्हारी उपस्थिति ने भयभीत कर दिया था कि मानो तुम किसी अन्य लोक के वासी हो। वेस्ली की दैनिकी में चर्चित निम्न विवरण अपने में विशेष है। वेस्ली ने कहा कि जब वह इवर्टन के चर्च में प्रचार करने के लिए गया तो वह एक असाधारण भारीपन का अनुभव कर रहा था और उसे वहां किसी भले कार्य की आशा नहीं थी, परंतु प्रचार के समय एक का हृदय टूटा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। कुछ लोग रो रोकर प्रार्थना करने लगे थे। आराधना के अंत में अनेक लोग रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनमें से तो कितने ना तो खड़े हो पा रहे थे और ना चल पा रहे थे। एक युवा जिसे पार्सनेज में लाया गया सांस के चलने के भयंकर दौरे का शिकार था। हमने अवर्णनीय आनंद के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना की और हमारी पीड़ा, दुर्बलता और थकान सब समाप्त हो गई।
वेस्ली के प्रचार के फलस्वरूप इंग्लैंड के अनेक भागों में लोगों के हृदयों में उद्धार प्राप्ति की इच्छा जागृत हो चुकी थी। उसने कितने लोगों को मृतकों के समान भूमि पर गिरने, रो रोकर पश्चाताप करने तथा उनके अत्यंत पीड़ा के साथ प्रार्थना करने की स्थिति को पवित्र आत्मा का कार्य समझकर स्वीकार किया था। उसकी सभाओं में इस प्रकार के परिणाम किसी भावावेश के कारण नहीं थे। आगे के वर्षों में वेस्ली ने पवित्र आत्मा प्राप्त किए जाने के पूर्व की अपनी आत्मिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपनी धारणा में परिवर्तन किया। एक स्थान पर उसने लिखा था, मैं नरक का उत्तराधिकारी हूँ, परंतु बाद में कथन का सुधार करते हुए कहा, मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ। उसने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा के अनुभव से पूर्व वह परमेश्वर का दास था, परंतु पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद से वह उसकी संतान बन गया था। वेस्ली ने अपने सहयोगी प्रचारकों को इस विषय में सचेत भी किया था कि वे प्रभु को ग्रहण करने वाले लोगों को यह शिक्षा देने की गलती ना करें कि जब तक उन्हें पाप से क्षमा नहीं मिल जाती वे शैतान की संतान ठहरेंगे। दूसरे शब्दों में वेस्ली ने परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के पुत्र के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रभु के सामने पापों का अंगीकार करने का अभिप्राय यह नहीं है कि एक बच गया और दूसरा विनाश होगा, वरन यह कि दोनों के लिए उद्धार है, परंतु उनमें से एक को आत्मा की साक्षी का सीधा अवसर है, परंतु दूसरे के पास इस साक्षी का अभाव था। अडल्स गेट के अनुभव से पूर्व वेस्ली कोई भटकी हुई आत्मा नहीं था, परंतु एक ऐसी आत्मा अवश्य था जो प्रत्येक साक्षी के अभाव में संतुष्ट न हो।